क्या ब्राह्मण क्षत्रियों ने हक छोड़ा क्या? 3.66% है ब्राह्मणों की आबादी बिहार के अंदर, कितने प्रतिशत उनका कब्जा है पहले तो ये स्पष्ट। जब क्रिमिनल की बात करते हैं तो यादव कुर्मी की बात क्यों करते हैं भाई? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात करता, हम सारे लोग अपर कास्ट के लोग हैं, हम लोगों ने अगर कब्जा नहीं किया तो आशुतोष जी किया था, कभी हुआ था, ये इतिहास का एक हिस्सा है, आप वर्तमान में बात कर रहे हैं। आप वेलकम टू हुलर मीडिया। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले जाति सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। वैसे भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का यह एक प्रमुख चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा है। हिंदी पट्टी के राज्यों में जहां जाति की राजनीति एक प्रमुख भूमिका निभाती है, इसलिए यह सर्वे चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जातिगत जनगणना पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने डिबेट में क्या कहा है। आशुतोष जी, जब सवाल खड़ा हो ही गया है तो मुद्दा यह है कि इतने वर्षों में किस राज्य में इन्होंने कुछ कर लिया। 23 सालों में लालू जी ने कुछ कर लिया, नीतीश कुमार ने कुछ कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया, मुलायम जी ने कर लिया, किसने कर लिया कुछ पिछड़ी जातियों के लिए? तो क्या इस मामले में अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है, यानी कि इकोनॉमिक मेजर में आपको देखना पड़ेगा, तो क्या गलत कह रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, नारे बड़े अच्छे देते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, गरीबों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब महामारी हुई तो गरीबों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई, और जो बिलियनर का ग्रोथ था 121% बिलियनर की ग्रोथ थी। अब आप समझ लीजिए कि जिस दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रही थी, वहां पे बिलियनर ग्रो कर रहे थे। कैसे ग्रो कर रहे थे, कौन ग्रो कर रहा था, भगवान जाने। दूसरा प्रश्न यहां पे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल इस बात को लेकर, मैं तो ये सोच रहा था कि आज ये सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कास्ट सेंसस के ऊपर स्टैंड क्या है। सुशील मोदी कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि हमारी वजह से हुआ। गिरिराज सिंह कहते हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं मेथोडोलॉजी मुझे पता करनी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये पाप है। तो अब भाई भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि कास्ट सेंसस के पक्ष में या कास्ट सेंसस के खिलाफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। कम से कम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब लोग कास्ट सेंसस के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के पक्ष में दिखाई पड़ती है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि कास्टिज्म के खिलाफ, कास्ट सेंसस के खिलाफ, मंडल कमीशन के खिलाफ भारत कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से अतीत में इसके खिलाफ थी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1990 में जब एंटी मंडल कमीशन बना था तो उसके पीछे कौन लोग थे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता यूनिवर्सिटीज के अंदर आते थे, कौन नेता मीटिंग कराते थे, कौन मंडल कमीशन के खिलाफ लोगों को भड़काते थे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो सब बड़े बुजुर्ग नेता आज की तारीख में हो गए। प्रश्न इसी बात को लेकर, बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए वो कास्ट सेंसस के पक्ष में या खिलाफ है। चलिए, आपने कहा गरीबों की जाति बड़ी है, लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ? लेकिन एक छोटी सी बात शायद आप भूल गए कि किस तरह से 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, भारतीय लोगों को, गरीबों को पहुंचाया गया राशन, पर वो शायद डिटेल है जो आशुतोष जी कभी याद नहीं रख पाते। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष की बातों का जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि नविका जी, कई बार जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि हम अपने पसंद के आंकड़े चुन लेते हैं, तो जाहिर है हर कोई चुनता है। लेकिन जब देश को ये आंकड़ा बताना है कि कोरोना काल में गरीब बढ़ गए, तो ये भी बताना चाहिए कि कुल अगर कहें तो दरअसल पिछले कुछ वर्षों में गरीबी रेखा से लोग जो ऊपर आए हैं वो 13.5 करोड़ लोग सरकार में बाहर आए, नरेंद्र मोदी की सरकार में 13.5 करोड़ लोग। और वो 13.5 करोड़ लोग जो वापस आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सामान्य स्थिति, जब दुनिया भर में गरीबी के नीचे लोग जा रहे थे, तो ये जरा जो कहें कि कॉन्ट्रास्ट है, ये समझना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो ये कि मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर जाति सच्चाई है, उसकी जनगणना हो गई, बड़ा अच्छा है। लेकिन क्या ये सवाल आज नहीं सबसे बड़ा हो गया है कि जो पिछड़ों में मजबूत जातियां हैं, जो यादव जाति है या कुर्मी जाति है, क्या वो अपना हिस्सा अब छोड़ेंगे? बात तो सही है, क्योंकि असली मजबूती तो उनको हुई है ना। जैसे कहा जाता है ना कि उद्योगपति ज्यादा कमा लिया, तो
तो भाई उद्योगपति ने कमाया तो आप कहते हैं कि उसके हिस्से से वो सीएसआर दे, लेकिन यहां तो जो आरक्षण से पाए हैं उनको भी अपना आरक्षण तीन पीढ़ी चार पीढ़ी के बाद नहीं छोड़ना है क्या? जब ये आंकड़ा सामने आ गया तो ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि भाई ठीक है ये सवर्ण थे, इन्होंने सब हक मारा था, अब तो ये कहीं उसमें आते नहीं, अनारक्षित है। लेकिन अब जो ये ओबीसी वाला है जिसमें ईबीसी आ गया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात समझ में आती है कि भैया गरीबी से लड़ो। अगर ये वाला तमाशा चलता रहेगा, और देखिए सब जानते हैं 33 साल लालू नीतीश की सरकार रही, लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी, यहां भी मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, मायावती जी, तो क्या इन सरकारों ने उस जाति व्यवस्था में जिसको कहा जाता है कि ये सताए हुए किसी के सताए हैं, क्या उसको ठीक नहीं किया? क्या सामाजिक जाति व्यवस्था ठीक नहीं हुई? और ये सच है कि जाति आधार पर भेदभाव अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ, लेकिन कोई अगर ये कहे, आशुतोष जी मतलब मुझे लगता है कि इस मामले में तो सही सही बताएंगे, इनको क्या लगता है कि कहीं कोई यादव या कोई कुर्मी है वो किसी से किसी स्तर पर कमजोर है किसी सवर्ण से? आशुतोष जी तो मिर्जापुर इलाहाबाद कहीं आसपास का बताएं। आशुतोष जी जवाब दीजिए, क्या स्थिति है? आशुतोष जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल आपसे। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। देखिए दो प्रश्न इन्होंने किए। पहले प्रश्न का जवाब तो ये है, इन्होंने कहा कि यादव कुर्मी क्या अपना हक छोड़ेंगे? क्या ब्राह्मण क्षत्रियों ने हक छोड़ा क्या? 3.66% है ब्राह्मणों की आबादी बिहार के अंदर, कितने प्रतिशत उनका कब्जा है? पहले तो ये स्पष्ट, जब क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो यादव कुर्मी की बात क्यों करते हैं भाई? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात करता, हम सारे लोग अपर कास्ट के लोग हैं। हम लोगों ने अगर ये कब्जा नहीं किया होता, और मैं याद दिलाना चाहता हूं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, पशुओं के समान व्यवहार किया है, तो पशुओं के समान किसने व्यवहार किया? कौन जाति के लोग थे वो, कहां से आते थे? 2000 साल की बात मोहन भागवत जी ने की, मैंने नहीं। लेकिन आशुतोष जी किया था, कभी हुआ था। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुख? ये इतिहास का एक हिस्सा है, आप वर्तमान में बात कर रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं, कि जाति जनगणना के तौर पर आप अटके रहेंगे एक ही जगह? सवाल ये उठता है कि नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कि आज भी हम 1931 के सेंसस के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, या हम आएंगे 2023 में जहां लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, या लोग सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि वोट किस तरह मिले? नहीं नविका जी, पहले वाला फ्रेम अच्छा बना था, आप बीच में थी और आपके एक बगल एक ब्राह्मण जाति से हर्षवर्धन त्रिपाठी और दूसरी बगल एक बनिया जाति से आशुतोष जी थे। हम दोनों सवर्ण हैं, एक समय में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, आशुतोष जी संपादक थे, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो सवर्ण रहे, संपादक रहे, सब कुछ रहे। सवाल यहां दूसरा है, मैंने जो कहा था मैं उसको स्पष्ट करता हूं, निश्चित तौर पर इस देश में नौकरियों में दूसरी जगहों पर सवर्ण जाति के लोग ज्यादा रहे, ये भी सच है कि उसमें भी जो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा गया, जो खेतिहर समाज कम रहा, जिसके पास पशुपालन नहीं रहा वो उस तरफ ज्यादा गया। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो रिजर्व कोटे की बात कर रहा हूं। क्या जो रिजर्व कोटा है, जिस ओबीसी कोटे की बात करते हैं, हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे आशुतोष जी? हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो रिजर्व कोटे में आरक्षण लेकर मजबूत हुआ जो भी जातियां हैं, तो आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ आधार पर आइए, उसको जाति से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कह रहा हूं अनरिजर्व को और आप क्या चाहते हैं? सवर्णों को आरक्षण और खत्म करना चाह रहे हैं, कहीं कोई और जगह आप बैन लगाना चाहते हैं कि इतने लोग घुसे ने, कोई और तरीका है? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी आशुतोष जी, इकोनॉमिक सेंसस और जाति के साथ जोड़ा जाए तब कहीं इस देश में किसी के साथ न्याय हो पाएगा, तब फायदा होगा आरक्षण का। रियल नाविका जी, आप अच्छी तरीके से जानती, बाबा साहब अंबेडकर बड़ौदा की रियासत में जब वो डिफेंस सेक्रेटरी बने थे और उसके बाद उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, तो जो ये पिछड़े और वंचित तबका है, उसके साथ इस आधार पे व्यवहार नहीं होता कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध है या गरीब है, उसके इस आधार पे होता है क्योंकि वह खास जाति में पैदा हुआ। और इस बात को हमारे मित्र गुरु जी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इस बात को बोलना चाहिए यहां पे। तो ये जो बाबा जो मोहन भागवत कह रहे हैं 2000 साल तक पशुवत व्यवहार किया गया,
एक बात तो कम से कम हमारे मित्र त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी कहें कि इसमें इसमें बताने की क्या बात है और ना मानने की क्या बात है? ये इस तरह का व्यवहार हुआ, गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तब की बात थी। तो साथियों, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने ओबीसी और सामाजिक न्याय का कार्ड खेलने की तैयारी की है। वहीं बीजेपी नेता ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। माना जा रहा है कि बीजेपी नेता पर भी केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए जाने का दबाव बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले ट्रंप कार्ड खेला है। इस वीडियो पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।